हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल पूजा नारंग फिजिक्स क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में कि जो टीजीटी साइंस चंडीगढ़ का जो एग्जाम है नॉन मेडिकल, उसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पर ये विजिबल ही शो किया है। सबसे पहले आपके सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स, एंड आफ्टर दैट केमिस्ट्री, एंड आफ्टर दैट इट इज मैथ्स, मैथमेटिक्स। तो हमारे जो टीजीटी, अगर हम बात करें साइंस नॉन मेडिकल की, तो उसके लिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। बायोलॉजी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में देखिए क्या क्या आने वाला है। इट इज मैकेनिक्स, वाइब्रेशंस, वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, थर्मोडाइनमिक्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एंड ऑल्सो न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, देखने में लग रहा है कि सिलेबस में कुछ काफी चेंज हुआ है, बट ऐसा नहीं है। सिलेबस जो है ऑलमोस्ट पीजीटी फिजिक्स के जैसा ही है। मैकेनिक्स जो है वो +1 के जो पहले 5 चैप्टर थे हमारे, वही मैकेनिक्स में रहते हैं। उसके बाद +1 में ही हमारे आ जाता है वाइब्रेशंस एंड वेव्स वाले चैप्टर। आफ्टर दैट हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इट मींस हमारे पास क्या आ जाता है +1 +2 के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर आता है वो भी हमारा +2 के सिलेबस के अंदर है। उसके बाद थर्मोडाइनमिक्स जो है वो +1 की है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स हमारा +2 का सिलेबस है। 6th, 7th और 8th चैप्टर है ऑलमोस्ट, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ग्रेजुएशन से जो टॉपिक उठाए गए हैं वो कौन से हैं, क्वांटम फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। अब इसमें आपको फायदा क्या हो रहा है, जो बेनिफिट है वो क्या है, मेनली ये कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के भी सारे टॉपिक्स नहीं करने हैं। जनरली ये बता के छोड़ देते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन या अप टू ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल तक के भी आपको लिमिटेड टॉपिक ही करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके सामने मैंने आपको जो दिखाया हुआ है क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ये जितने भी टॉपिक हैं, 3 से 4, 3 4 टॉपिक हैं, ये चारों के चारों जो टॉपिक्स हैं ये हमारे ग्रेजुएशन में भी आते हैं। तो ऐसी ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हम कि हमारे पास ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक के आ जाएंगे या कुछ और। हम इसको ग्रेजुएशन लेवल तक करेंगे तो भी काम चल जाएगा, हम अपने एग्जाम में इसको कवर कर पाएंगे। उसके बाद आ जाती है केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। ये जो है सिलेबस, ये सारा +1 +2 का सिलेबस है जो कि ग्रेजुएशन में भी आता है फर्स्ट ईयर में। आफ्टर दैट कार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ये सब जो है ये +1 +2 लेवल ही है बेसिकली, लाइक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फेस इक्विलिब्रियम। अब क्वांटम मैकेनिक्स जो आ जाती है ये आपका ग्रेजुएशन लेवल में और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आता है केमिस्ट्री में। फोटोकेमिस्ट्री भी ग्रेजुएशन लेवल में आपके आती है ज्यादा, ओके। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में बेसिकली देखिए, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टेटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस। जो ट्रिग्नोमेट्री तक की बात करें हम, तो यहाँ तक जो हमारा सिलेबस है, देखिए यहाँ तक, तो यहाँ तक ये यह है हमारा 9th-10th का सिलेबस। उसके बाद स्टार्ट होता है मैट्रिसेस, सेट एंड फंक्शन, एलजेब्रा, रिलेशन एंड फंक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैलकुलस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तक हमारा क्या है, +1 क्लास, ओके, +1 +2। आफ्टर दैट कैलकुलस, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग। अब स्पेशली इसके अंदर देखिए जो लाइन मेंशन की गई है वो इम्पोर्टेंट है, डिफिकल्टी लेवल विल बी अप टू ग्रेजुएशन लेवल, बट स्टिल आई एम गारंटिंग यू कि सबसे पहले हमें जो करना है वो क्या है, +1 +2 का सिलेबस अच्छे से करना है। इतना सिलेबस हो जाएगा आपका कि आप उसको कवर अप कर पाएंगे, आपका पेपर क्लियर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं अगर हमें +1 +2 का सिलेबस अच्छे से आता है। अगर हमें +1 +2 ही नहीं आती है ढंग से, तो ग्रेजुएशन लेवल तक जाना तो एक तरह से नामुमकिन हो जाएगा। और पेपर की जो डेट है 23 जून है,
आ चुकी है, ये हमारे टीजीटी नॉन मेडिकल साइंस के पेपर की डेट है, और जनरल पेपर की है आई थिंक 20-21 तारीख है, जून 20-21 2024। तो आप डेट देख लीजिए आराम से और उसके बाद तैयारी स्टार्ट कीजिए, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। टुडे इज 5th अप्रैल, एंड आफ्टर दैट देख लीजिए 5 जून तक आपको सारा सिलेबस कवर कर लेना चाहिए, और उसके बाद 10 to 15 डेज अपने रिविजन में लगाने चाहिए ताकि आप अपने सिलेबस को अच्छे से कवर कर पाए और उसको पेपर में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर पाए। और सबसे बड़ी बात, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देना चाहिए, जिससे एग्जाम के टाइम हमें आंसर को रिकॉल करने में मुश्किल ना हो। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।